क्या दिक्कत आती है मेन? तो ये देखिए इस तरह से इनको ये जो है हमने मार्क किया है, यहाँ पे थोड़ा फैट है, ठीक है, ये फैट है साइड का, और ये जो है ग्लैंड टिश्यू, देखिए गांठ जैसा फील होता है, सो इसको हम रिड्यूस कर देंगे, यहाँ से ये फैट है, बहुत बल्कि लगता है बाकी बॉडी शेप, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर से, एंड ये यहाँ पे साइड में फैट है, इसको कम्प्लीट रिड्यूस कर देंगे, एकदम नॉर्मल शेप हो जाएगा, ठीक है। सो जो टी शर्ट वगैरह पहनने में दिक्कत आती है वो नहीं रहेगी, एंड बल्कि नशा ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम ये सर्जरी करने वाले हैं, एंड प्रॉपर आपको शेप हो जाएगा, ठीक है। फैट को मेल्ट कर रहे हैं, स्वेलिंग वगैरह नहीं है, थोड़ा सा ये यहाँ से प्रेशर की वजह से स्वेलिंग रहता है। सो ये मैं जैसे बताता हूँ तो इस तरह का जो है देखेंगे, सो ये है ना ड्रेसिंग इस तरह से रहता है, यहाँ पर हैवी रहता है प्रेशर के साथ, तो देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये इनिशियली डिप्रेशन जैसा फील होता है, और ये ज़्यादा दबता है तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दिखता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, सो बीच का पोर्शन है, सो इसलिए इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन परफेक्ट है एंड कोई स्वेलिंग नहीं है। देखो ये ब्रूजेज है, ब्रूजेज इसको बोलते हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा सोलन रहेगा जिससे थोड़ा सा हैंड मूवमेंट में है ना यहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है इनिशियली, सो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोजली नहीं करते, लेकिन ये मसल्स यहाँ पे रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ा पेन फील होता है, सो ये परफेक्ट है। पेन वगैरह कितना हुआ सर्जरी के बाद आपको? सर बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर, सो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सो ये देखिए इनका बिफोर इस तरह से था एंड कंप्लीट चला गया है, कहीं पर भी वन मंथ के बाद ये जो भी अनइवननेस है ये भी चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो ये जस्ट इनिशियली थोड़ा देखिए इस तरह का अनइवननेस दिखाई देता है, लेकिन पहले से पहले वाला दिखाओ। सो ये देखिए बिफोर सर्जरी इस तरह से बहुत मैसिव था, यहाँ पे ये साइड में देखिए तो थोड़ा यहाँ पे ये अलग से भी बल्स है, तो इसकी वजह से इनिशियली स्वॉलन है, सो विद टाइम ये भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चेंज लग रहा है, यहाँ से पूरा ये डिफाइन हो गया है, ये पूरा डिफाइन हो गया है, यहाँ पे जो बल्स था वो कम्प्लीटली चला गया है, थोड़ा बहुत ये रेडनेस है, कहीं पे ब्रूजेज हैं, विद टाइम ये भी बेटर हो जाएगा, सो अभी बेटर लग रहा है, बिल्कुल बहुत बेटर है सर, पहले से काफ़ी बेटर है, टाइम के साथ ये भी और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पता ही नहीं चला सर, पता ही नहीं चला सर्जरी का, और उसके बाद कितना पेन वगैरह हुआ सर्जरी के बाद? नहीं हुआ सर, ना के बराबर, ना के बराबर, ज्यादा पेन पता ही वो ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, बात भी हो रही थी। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया में किया था, तो जितना डर पहले था सर्जरी से उतना डरावनी है ये सर्जरी? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, उतनी डरावनी नहीं है ना कुछ भी, कॉन्फिडेंस तो जब भी आ गया था, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था
बात चल रही है, सर्जरी भी चल रही है। अच्छा, तो उससे तो और ज्यादा। हाँ, तो मतलब वो उससे कॉन्फिडेंस आ गया, ये लग गया कि हाँ ये डरने की कोई जरूरत नहीं।